तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान की पाठशाला में। और आज हम करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बॉटनी के। हम इसके अंदर दो चैप्टर्स को कवर करेंगे। पहला हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा हमारा द लिविंग वर्ल्ड। आपको इनमें से जिसके भी क्वेश्चंस पता हों पहले से, आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा हायर प्लांट सेल्स, बिकॉज बाकी सब में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेल डिवीजन के टाइम पे काम आते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रियोल्स। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, क्योंकि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सब सेंट्रियोल्स नहीं कंटेन करते हैं। और जो कार्टविल जो अपीयरेंस होता है जिसमें ट्यूबलिन जो है हमारे ट्यूबलिन फाइबर्स वो डबलेट की फॉर्म्स में होते हैं, वो सेंट्रियोल्स में नहीं होता है। उसमें 9+2 अरेंजमेंट होती है, पर जो हमारे सेंट्रियोल्स है उसमें 9+0 अरेंजमेंट होती है, जिसमें जो 9 जो पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंडल एपरेटस फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज नॉट सीन इन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, बिकॉज सेंट्रियोल जो होते हैं वो हायर प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये हमने अभी ऊपर देख लिया। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड इन सेंट्रोसोम्स पैरेलल टू ईच अदर, आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, आर सराउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, क्योंकि वो सेंट्रियोल जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, थियोडोर श्वान एंड मैथियस शेल्डन वो रिस्पेक्टिवली। इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, क्योंकि जो थियोडोर श्वान थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और मैथियस शेल्डन जो हैं वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही इंक्लूडेड है ये इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कंक्लूडेड दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा हमारा थर्ड, जो कि थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान जो थे वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, पर इन्होंने ये प्लांट के बारे में ये चीज़ इन्होंने कंक्लूड करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टडीड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म अ टिश्यू ऑफ प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैथियस शेल्डन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी थी वो आपको पता ही होगा, वो थियोडोर श्वान और मैथियस शेल्डन ने मिलकर प्रपोज करी थी। तो इसका भी करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइबोसोम ऑफ अ पॉलीजोम। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो जो डीएनए को रेप्लीकेट नहीं करते हैं, वो आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, तो वो एमआरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शन ऑफ पॉलीराइबोसोम इज सीन इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन, ए एंड बी ओनली, क्योंकि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दोनों के अंदर ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पर हमारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं, जो हमारा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक हमारा डीएनए होता है और जिसको न्यूक्लियॉइड कहते हैं, और इसके साथ में जो सेल जो न्यूक्लियस होता है उसका अपना जो एक साइटोप्लाज्म टाइप चीज़ होती है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ,
क्योंकि जो मीजोसोम्स होते हैं, जैसा आपको पता ही होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब सेल के इनवर्ट्स में फोल्ड होती है, तो उसी चीज़ को हम मतलब उसी से मीजोसोम्स के फॉर्मेशन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स दैट कंटेन्स पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोमेटोफोर्स। क्योंकि जिन मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं, वो इनके ये ऑर्गेनिल्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर मेनली, तो जो हमारा प्लांट सेल होता है उसके अंदर हमारी कुछ क्रोमेटोफोर्स टाइप चीज़ें भी होती हैं। क्रोमेटोफोर्स ऑर्गेनेल ही है प्लांट सेल की, जो कि हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिसके अंदर हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन एसोसिएटेड विद मीजोसोम्स एक्सेप्ट, तो इसके अंदर हमारे ये मीजोसोम्स जो होते हैं वो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं प्लांट सेल के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स के अंदर भी हेल्प करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो द लिविंग वर्ल्ड टेक्सोनॉमिकल एड्स इस चैप्टर से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, इन सीतू कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन इट्स ओन इकोसिस्टम। स्टेटमेंट बी, एक्स सीतू कंजर्वेशन मीन्स इनडेंजर्ड स्पीशीज इन अ मैन मेड हैबिटेट दैट आर सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। तो मैं पहले आपको बता दूं इन सीतू और एक्स सीतू का मतलब होता क्या है। तो कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने की हैबिट होती है, और वो उस हैबिटेट को छोड़ के अगर कहीं और अगर हम उनको शिफ्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है उनको, और इससे उनके हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए उन एनिमल्स को हम उन्हीं के नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व करके रखते हैं, जैसे कि हम जो एलिफेंट्स वगैरह हैं और जो लायंस हैं टाइगर्स हैं, उनके लिए हम उनके नेचुरल हैबिटेट जैसे ही लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, ये इन सीतू कंजर्वेशन के अंडर ही आता है। और जो एक्स सीतू कंजर्वेशन होता है, इसका मतलब होता है कि जो कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटेंट होने वाली हैं, उन स्पीशीज़ को जूलॉजिकल पार्क के अंदर लाया जाता है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में जू भी बोलते हैं। और भी जो बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी प्लांट्स वगैरह को लेकर जाया जाता है कंजर्व कराने के लिए। तो ये मैनमेड हैबिटेट के अंदर जब इनको लाया जाता है तो इस चीज़ को एक्स सीतू कंजर्वेशन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूलॉजिकल पार्क आर एक्स सीतू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज ऑफ एनिमल्स बिकॉज हेयर एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद प्रोटेक्शन एंड केयर, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट विद विच इज़ मेड सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट एज मच एज पॉसिबल, दीज आर ऑल्सो नोन एज जूज, दीज पार्क आर सर्व एन आइडियल मीनिंग टू स्टडी एंड लर्न डिफरेंट फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ द वेराइटी ऑफ एनिमल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, क्योंकि जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं जिनको हम एक्स सीतू कंजर्वेशन के अंदर काउंट करते हैं, ये बनाए इसलिए जाते हैं ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटेंट होने वाली हैं उनको कंजर्व करके रखा जाए, उनकी ब्रीडिंग हो और उनसे और मतलब जो उनकी क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसलिए जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्स सीतू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ऑफ प्लांट्स। तो जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बॉटनिकल गार्डन हो जाएगा, क्योंकि जो म्यूज़ियम्स होते हैं उनके अंदर हम ऐसी चीज़ों को रखते हैं जो कि बहुत एंटीक होती हैं या फिर जिनकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं बहुत कम होती हैं, और इसके अंदर मेनली जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हीं को रखा जाता है। जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं इसके अंदर एनिमल्स को रखा जाता है, और जो हर्बेरियम होता है उसके अंदर जो हमारे जो ड्राई लीव्स वगैरह होते हैं या फिर किसी प्लांट को अगर हमें स्टडी करना है उसके पार्ट्स को स्टडी करना है, तो इसलिए हर्बेरियम बनाया जाता है।
सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनियम टू ग्रोथ एक्सेप्ट. तो इसका आंसर होगा वर्कर बीज, बिकॉज जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ का मीनिंग ही रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि जब वो ग्रो करते हैं तो रिप्रोडक्शन के डिवीजन के टाइप से ही ग्रो करते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. तो मैं आपको बता दूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जो कि एक साथ एट अ टाइम कभी भी एक साथ वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो अमीबा बैक्टीरिया जो होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आते हैं. इनके अंदर जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों सिनोनियम्स हैं, क्योंकि इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो रिप्रोडक्शन के मेथड के थ्रू ही होती है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फिलामेंटस फंगाई, क्योंकि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. सो रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट ए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. स्टेटमेंट बी, इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड बट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इवेंट. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ होता है दोनों सिनोनिमस होते हैं. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैंने आपको भी बताया कि उनके अंदर ग्रोथ जो होती है वो रिप्रोडक्शन के मेथड के थ्रू ही होती है. और जो स्टेटमेंट बी है उसमें इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड बट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. तो मैंने आपको बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जो कि एट अ टाइम एक साथ परफॉर्म नहीं किए जा सकते. तो जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होती है वो अलग अलग मेथड से होती है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4th. तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस.